हेलो दोस्तों, आज हम एक टी पॉट जो है, टी पॉट रखने के लिए जो यूज़ होता है वैसा एक टेबल टाइप का एक पज़ल बनाने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सा एक पैटर्न है, यहाँ पर एक इस पैटर्न को हमें क्रिएट करना है और बाकी हम इसे कॉपी रख सकते हैं सिमेट्रिकली। ओके, तो इसे हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका रिजोल्यूशन देख लेता हूँ, 460x652। ओके, तो मैं यहाँ पर टॉप व्यू में एक प्लेन ले रहा हूँ और इसमें 460 और 652 मेजरमेंट देके इसमें मैं मटेरियल असाइन करने जा रहा हूँ। और मटेरियल में जो इमेज है उसे हमें पिक करके रखना है। ओके, यहाँ पर मैंने सेव रखा हुआ है इमेज को, तो उसे हम पिक कर लेंगे। ओके, आई थिंक, ओके, मिल गया, यहाँ पर है। ओके, तो ये हमारा इमेज है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन टूल से यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे। ओके, सर्कल को थोड़ा सा सेट कर देंगे सेंटर पे। ओके, अब इसमें एक इजी तरीका क्या है कि हम इसे जो है हाफ क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन कर रहा हूँ। एसपी लाइन करने के बाद जो वर्टाइसेस आएंगे, ओके, इतने वर्टाइसेस है। अब इसमें मैं करने क्या वाला हूँ कि यहाँ पर तीनों सेगमेंट्स को मैं डिलीट कर दूँगा। ओके, और सिर्फ हमारे पास जो बचेगा ये अकेला एक सेगमेंट होगा। तो इसमें से हम क्या करने जा रहे हैं कि एक लाइन क्रिएट करेंगे सबसे पहले। अदरवाइज़ हम जब सर्कल लेते हैं तब पाई सर्कल या फिर आर्क भी ले सकते हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं एक अलग तरीके से बना रहा हूँ, एक क्रिएट लाइन करेंगे। ओके, और इसे एक बार बैक जा रहा हूँ। ओके, दो लाइन जब हम क्रिएट कर देंगे इसके बाद हमें करना क्या है कि इस वर्टाइसेस को इसके लेवल पे ला के रखना है। यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर भी दोनों को सेट कर देना है पॉइंट टू पॉइंट। ओके, अब हमें इसे वेल्ड कर देना है, फ्यूज़ करके वेल्ड से भी फ्यूज़ और वेल्ड। ओके, तो मैं थोड़ा सा अलग स्टेप बता रहा हूँ, थोड़ा इजी वे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रिफाइन ऐड करेंगे। ओके, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ओके, जितने भी कॉर्नर्स हैं, और इन सभी जगहों पे हम क्या करेंगे। ओके, कुछ जगहों में रिफाइन आया नहीं है, कलर सेम होने की वजह से थोड़ा परेशानी होता है। ओके, यहाँ पर जितने वर्टाइसेस हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं इसे हम बेजियर कॉर्नर ले देंगे। ओके, ऑलरेडी बेजियर कॉर्नर है, तो इसे हम जब यहाँ पर शेपिंग करेंगे तो यहाँ पर
बेजियर सेट करते हुए इसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये हमने सेट कर दिया है। फिर हमें एक और चीज़ क्या करना है, जो पैटर्न हमें सेट करना है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करने जा रहा हूँ कि एक रिफाइन जो है मुझे यहाँ पर भी देके, और इस रेक्टेंगल को भी हम यहीं पे सेट कर सकते हैं ताकि हम अलग सा शेप ना लें। अदरवाइज़ हम इसे यहाँ पर ही स्किप करके यहाँ पर इस पैटर्न को रहने दे रहा हूँ। और दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है, एक इस पैटर्न को क्रिएट कर दिया, इसका भी हम कॉपी ले लेंगे। और यहाँ पर हम इजीली एक रेक्टेंगल ही रख रहा हूँ, फिर इसे कन्वर्ट टू एसपी लाइन, और इसे फिलेट दे देता हूँ यहाँ पर, और सिमिलरली यहाँ पर आई थिंक थोड़ा शेपिंग हमें करना होगा। F8 ऑन करके यहाँ पर एक इंटरपोलेशन का ऑप्शन आता है, उसे एडेप्टिव रखेंगे। ओके, तो ये हमारा शेप जो है ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर अब हमें इसका एक मिरर कॉपी लेना है। और इसे रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पे और यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ओके, तो अब हमें सबसे सिंपल चीज़ क्या करना है कि वर्टेक्सेस में जाके हम इन चीज़ों को अटैच कर देंगे। और उसके बाद हमारा ये सेंटर्ड पॉइंट है, और अगर हम इस दोनों सेगमेंट्स को डिलीट करते हैं तो भी हमारा ये सेंटर्ड होगा। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इसे रोटेट करेंगे 90 डिग्री और कॉपी रखेंगे 3। ओके, और इसे F3 करके हम चेक कर सकते हैं, परफेक्टली सेट हो गया है। अब जो हमें एक सिंपल सा वर्क करना है कि इसे अटैच कर देना है सबसे पहले। और जो वर्टाइसिस है यहाँ पर फ्यूज़ फेल कर देना है। ओके, अगर हम डिलीट करते हैं तो शेप बिगड़ जाएगा, तो वो बेटर है कि हम एज इट इज़ रहने दें। ओके वेल, तो इसका कंप्लीट हो गया है वर्क। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो यहाँ पर भी पैटर्न सेम है, बट एक थोड़ा सा बॉक्स का जो एक इशू है
वो एक हमें सेट करना है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, अब हम यहाँ पर रिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसे कन्वर्ट टू स्प्लाइन और वर्टेसेस में आके रिफाइन, ओके। तो ये जो अंदर के जो वर्टेसेस है इसे हम अंदर लेके जाएंगे, जितने भी वर्टाइसेस हैं इसे सबसे पहले तो कॉर्नर कर देंगे, ओके। अब थोड़ा सा ऊपर, ओके। फिलेट हम बाद में देंगे, यहाँ पर हमें स्ट्रेट एक लाइन रखना है, ओके। एक रिफाइन और, एक रिफाइन यहाँ पर। अब जो ये पॉइंट है इसे हम क्या करेंगे, बेजियर कॉर्नर, F8 ऑन, आई थिंक एक लाइन क्रिएट हो गया था एक्स्ट्रा। ओके, तो यहाँ पर भी हमें रिफाइंस देने पड़ेंगे, ओके। यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो सेंटर पार्ट है, ओके, एग्जाम्पल के मैं इसे सेगमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे डिवाइड कर रहा हूँ, ओके। डिवाइड करने के बाद इसे भी मैं एक डिवाइड दे रहा हूँ और हाफ पोर्शन जो होगा उसे मैं डिलीट कर दूँगा और मुझे ओनली जो वर्क करना है वो सिर्फ मुझे यहीं तक का वर्क करना है। ओके, तो अब जो है मैं फिलेट्स करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फिलेट कर रहा हूँ,
सकते हैं और इसे भी लेफ्ट, ये जो दो वर्टाइसेस हैं से हम चाहे तो निकाल सकते हैं और यहाँ पर बेजियर कॉर्नर देके थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर भी हम फिलेट देंगे, तो इतना होने के बाद हमें करना क्या है कि इसे मिरर दे देना है। हम यहाँ से भी दे सकते हैं कॉपी मिरर और इसे मूव कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो राइट साइड में थोड़ा सा इश्यू है बट कोई बात नहीं, शायद हमारा यहाँ पे बनाने का पैटर्न या फिर स्केच में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर हम पहले वेल्ड कर देते हैं और वाटा इसको डिलीट, ओके। अब सिंपली इसे कॉपी कर देंगे नीचे, और नीचे हमें सिंपल क्या करना है कि जो वर्टाइसेस हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं उसे डिलीट कर देना है और यहाँ पर कुछ वर्टाइस क्रिएट करने होंगे और इसे मूव कर देना है, ओके। तो ये जो है हमारा ऑलमोस्ट एक पैटर्न जो है तैयार हो गया है। अब हमें इमेज की ज़रूरत नहीं है, इमेज हम थोड़े टाइम के लिए हाइड कर देते हैं, फिर जो है हमें इन सब के ऊपर एक्सट्रूड वैल्यू देना है। एक्सट्रूड वैल्यू मैं मैनुअली दे रहा हूँ अपने हिसाब से, आई थिंक 5 दे देते हैं, ओके। अब हम इसका एक कॉपी ले लेते हैं, कॉपी लेके साइड पे आते हैं, ओके। और इन दोनों को 90 डिग्री पहले रोटेट करेंगे। ये दोनों को हमें डिटैच करना ज़रूरी है क्योंकि दोनों एक में ही क्रिएट हो गए हैं, तो इसे हम डिटैच कर देते हैं। जो एक्सट्रूड वैल्यू है इसमें भी इंसर्ट कर देते हैं। अब हम इसे 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, सिमिलरली इसे भी 90 डिग्री, और सबसे पहले इसे एक्सिस पे रखेंगे, ओके। अब यहाँ पर रोटेट अगेन 90 डिग्री कुछ इस तरीके से है, ओके। तो थिकनेस आई थिंक हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो थिकनेस जो है मैं इसमें 10 रख रहा हूँ, 10 या फिर तो 20 भी रख सकते हैं, ओके। तो थोड़ा सा जाड़ा है तो 20 बराबर है, ओके। तो ये जो है ऑलमोस्ट फिक्स है, आई थिंक 15 इनफ है, ओके। 15 बेटर है, राउंड फिगर हम रखते हैं, थोड़ा सा गैप दिखेगा कोई बात नहीं, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट को
एक चीज़ हमारा रह गया है, इसे हमें अटैच करना था और 90 डिग्री इसे भी रोटेशन की ज़रूरत थी जो परफेक्टली रोटेट नहीं हुए। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इस पाइवट को, कभी ऐसे केसेस अगर आते हैं तो आप एक पाइवट और इसे अलाइन करेंगे, इसमें पाइवट टू पाइवट एक्स वाई जेड। ओके, और इसे हम रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, 3 बार कॉपी, और इसमें आके वर्टिसेस में अटैच कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्रिएट हो गया है, इसी को हम कॉपी कर देते हैं। और इसमें हम थिकनेस जो है 15 ही रहने देते हैं और इसे ओके। तो जो गैप्स है यहाँ पे, इन गैप्स में ये फिलअप होना चाहिए। ओके, मे बी ये 17 और 18 के थिकनेस है कुछ, तो अगर मैं इसे 17 रखूँ तो आई थिंक थोड़ा बेटर हो। ओके, तो ये हमारा एक कुछ टी पॉइंट टाइप का टेबल जो है क्रिएट हुआ है। ओके, तो इसे एक मटेरियल दे देते हैं के मिस्ट्रॉपी। शिफ्ट टैप करके मैं यहाँ पर रेंडर एक इमेज निकाल देता हूँ। ओके, तो ये हमारा है कुछ टी पॉय टाइप का एक पजल टेबल। तो आई होप कि ये सभी को अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और नए ऑब्जेक्ट के साथ, तब तक आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें और कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।